वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 8 चैप्टर 8 मेटल्स मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑल्दो वी सी ए नंबर ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड अस, द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मेक देम आर ओनली 118। हम हमारे सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंसेस देखते हैं, वो जो भी हम कुछ देखते हैं, वो सभी एटम्स कितने एलिमेंट से मिलके बनी है? 118। ठीक है, जो भी हमारे सराउंडिंग में है वो सब कुछ कितने कितने एलिमेंट से मिलके बना है? 118, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर। इनमें से जो 92 एलिमेंट्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से दीज एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन एलिमेंट्स को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, जो कि हमें नेचर में एलिमेंट्स मिलते हैं, टोटल 92 एलिमेंट्स मिलते हैं, उनमें से अराउंड 70 एलिमेंट्स आर मेटल्स। जो 92 नेचर में एलिमेंट मिलते हैं हमें, उनमें से 70 एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। एंड अराउंड 17 आर नॉन मेटल्स, और उनमें से 17 एलिमेंट्स क्या है? नॉन मेटल्स हैं। सम एलिमेंट्स आर आल्सो मेटलॉइड्स, और इनमें से कुछ एलिमेंट्स क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने रहेंगे? 5 एलिमेंट। जो 5 एलिमेंट्स हैं वो क्या है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है? जो वो एलिमेंट जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सम एलिमेंट्स आर आल्सो मेटलॉइड्स विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसे हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डेट कैन बी ऑब्जर्व एंड फेल्ट बाई आर सेंसेस आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। जैसे कि हमें हमें मालूम है हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है, सब्सटेंस है, ठीक है, वो कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैस। जो मैटर जो भी सब्सटेंस है हमारे सराउंडिंग में, वो कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं? 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैस। एट रूम टेम्परेचर मेटल एग्जिस्ट मेनली इन सॉलिड स्टेट। रूम टेम्परेचर पर जो मेटल होती है वो किस स्टेट में होती है, किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है? सॉलिड स्टेट। द ओनली एक्सेप्शन इज मर्करी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो मोस्टली मेटल्स किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर? इन सॉलिड स्टेट ओनली। इसमें वन एक्सेप्शन केस है जो कि मर्करी है। मर्करी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। रूम टेम्परेचर मीन जो हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर होता है उसके अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर होता है हमारे रूम का। जैसे कि अभी सराउंडिंग में टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उसके अप्रोक्सीमेट हमारे रूम का टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। जो मोस्टली एटम्स के स्टेट में होती है सॉलिड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ओनली जो वन मेटल है जो कि मरकरी है, वो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है? लिक्विड स्टेट में। नॉन मेटल एग्जिस्ट मोस्टली इन गैसेस स्टेट। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो मोस्टली किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है? इन गैसेस स्टेट। आउट ऑफ 17 नॉन मेटल्स, जैसे कि हमें मालूम है टोटल नॉन मेटल्स कितनी है? 17। मोस्ट आर गैसेस, 17 एलिमेंट्स से 70 नॉन मेटल में से जो मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? गैसेस हैं। सम आर सॉलिड्स, कुछ नॉन मेटल्स क्या हैं? सॉलिड्स हैं। एंड ब्रोमिन इज ओनली लिक्विड। इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है, जो ब्रोमिन है वो क्या है? ओनली द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो ब्रोमिन होता है नॉन मेटल में से, आउट ऑफ 17 नॉन मेटल्स ओनली ब्रोमिन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। आउट ऑफ 17 नॉन मेटल्स ओनली ब्रोमिन इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स आर गिवन बिलो।
ठीक है ना, जो हमें 17 नॉन मेटल्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स, उनमें से कुछ एग्जांपल्स उन नॉन मेटल्स की एग्जांपल दी गई हैं जिनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस है। सॉलिड कौन कौन सी नॉन मेटल की जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। और कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है? ब्रोमीन। ओनली ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। गैस कौन कौन सी नॉन मेटल जो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। हार्डनेस, हार्डनेस इज करेक्टराइज बाय हाउ इजली ए मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रेच्ड। हार्डनेस, हम किसी भी चीज़ के हार्डनेस कैसे मापते हैं भी, वो जो मटेरियल है हमारे पास, उसको हम कितने इजली कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसे दबा सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस मीन मतलब उसको फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड सब्सटेंस डू नॉट चेंज देयर शेप इजली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जो हार्ड सब्सटेंस होती है, ठीक है, जब हम उनको कंप्रेस करते हैं, मीन जब हम उनको कंप्रेस करने के लिए, उनको शेप चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो हार्ड मेटल्स होती हैं वो इजिली अपनी शेप चेंज नहीं करती, वो इजिली कंप्रेस नहीं होती। वेयर एज सॉफ्ट सब्सटेंसेस चेंज देयर शेप इजिली व्हेन फोर्स इज अप्लाई। जैसे कि जो सॉफ्ट सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट सब्सटेंसेस होती हैं, अगर हम उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उनको कंप्रेस करते हैं, तो उनकी शेप इजिली चेंज हो जाती है। ठीक है, जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं फोर्स अप्लाई कंप्रेस करने से उनकी शेप चेंज नहीं होती, इजली चेंज नहीं होती। जो सॉफ्ट मेटल सॉफ्ट सब्सटेंसेस होती हैं, अगर उनको कंप्रेस करते हैं तो उनकी शेप इजली चेंज हो जाती है। मेटल्स आर हार्ड एंड रिजिड मटेरियल्स। मेटल्स क्या होती हैं? हार्ड होती हैं और रिजिड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि जो अपनी शेप इजली चेंज नहीं करते, जो इजली कंप्रेस नहीं होते। रिजिड मीन जो इजली कंप्रेस नहीं होते। ठीक है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्रेच इजली। मेटल्स को हम इजली कंप्रेस नहीं कर सकते, ना ही उनको इजली स्क्रैच कर सकते। आयरन एंड टंगस्टन आर सम मेटल, दे आर हार्ड। जो मेटल्स की कौन कौन सी एग्जाम्पल है जो हार्ड हैं? आयरन एंड टंगस्टन, बट लिथियम, सोडियम, पोटासियम मेटल्स आर एक्सेप्शन। जैसे कि आयरन एंड टंगस्टन हार्ड मेटल्स हैं, उनको इजली हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बट जो लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम है, वो क्या है, मेटल्स हैं, दे आर वो सॉफ्ट मेटल्स हैं, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट इजली विद नाइफ। वो इतने सॉफ्ट मेटल्स हैं कि उनको हम इजली नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल आमतौर पर क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। दे कैन बी इजली कट, उनको हम इजली कट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं और स्क्रैच कर सकते हैं। बट जो डायमंड है, डायमंड इज एन एक्सेप्शन। जो डायमंड है तो नॉन मेटल, बट वो एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि जो डायमंड है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ। जो अर्थ पे पाई जाने वाली सब्सटेंसेस में से डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। ऑल्दो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। जो डायमंड होता है किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, विच इज नॉन मेटल। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड नेचुरली। जो कि डायमंड है, कार्बन का बना होता है, वो नेचर में पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है। हार्डनेस ऑफ एन एलिमेंट इज इन नेचुरल स्टेट इज ऑफन रिटन इन टर्म्स ऑफ मोह स्केल ऑफ मिनरल हार्डनेस। ठीक है, जो हार्डनेस को अगर हम मेजर करते हैं, किसी भी एलिमेंट के हार्डनेस को मेजर करते हैं, तो उसकी हार्डनेस किस स्केल में राइट करते हैं हम? मोह स्केल, MOHS, मोह स्केल। जैसे कि हम मिल्क लेते हैं लीटर्स में लेते हैं, ठीक है, अब शुगर लेते हैं किस किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है, जो बनाना लेते हैं डजन में लेते हैं, ये सभी क्या है? यूनिट्स हैं। वैसे हार्डनेस को मेजर करने के लिए मोस क्या है? यूनिट है। द मोस स्केल वाज ड्राइव्ड बाय जर्मन जियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मोस। जो मोस स्केल किसने ड्राइव किया था? एक जर्मन जियोलॉजिस्ट था जिसका क्या नेम था? फ्रेडरिक फ्रेडरिक मोस, जिसका क्या नेम था? फ्रेडरिक मोस। इन द ईयर 1812, कब किया था उन्होंने?
1812 में जे मोस स्केल ड्राइव किया था। इट ग्रेड्स मिनरल फ्रॉम 1 to 10 बेस्ड ऑन देयर अबिलिटी टू स्क्रेच ईच अदर। जो मोस स्केल है ये 1 से लेकर 10 तक ग्रेड होती है इसमें, ठीक है। ये 1 से लेकर जो मोस स्केल की ग्रेड है 1 से लेकर 10 तक होती है, ठीक है। और ये ग्रेड हम किस हिसाब से देते हैं, अबिलिटी टू स्क्रैच ईच अदर, मतलब ये उस उनकी जो एबिलिटी होती है एक दूसरे को स्क्रैच करने की, मतलब ब्रेक करने की एबिलिटी होती है, उसके हिसाब से उनको मोस स्केल में हम क्या देते हैं, उनको नंबरिंग देते हैं, ग्रेड देते हैं मोस स्केल में। द मटेरियल विद हायर ग्रेड इज एबल टू स्क्रैच मटेरियल विद लोअर ग्रेड। जो मटेरियल जो होते हैं जिनकी ग्रेड हाई होती है, ठीक है, ठीक है। जो मटेरियल जो होते हैं जिनकी ग्रेड्स हाई होती है, मतलब जिनकी ग्रेड्स हाई होती है, वो लोअर ग्रेड वाले मटेरियल को इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है। डायमंड इज गिवन द ग्रेड 10, जो उसकी डायमंड है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन नोन है इन नेचुरली नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। उसकी ग्रेड क्या होती है, 10। वेयर इज टोक इज गिवन द ग्रेड 1 ऑन दिस स्केल। टोक क्या होता है, एक तरह का पाउडर होता है, ठीक है। उसकी ग्रेड क्या है, 1, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जो डायमंड है टोक क्या होता है, एक तरह का पाउडर होता है, उसको इजीली स्क्रैच कर सकता है, ठीक है। अगर डायमंड की ग्रेड 10 मोस है तो वो हार्डेस्ट है। जो जैसे जैसे ग्रेड कम होती जाएंगी, उस सब्सटेंस की हार्डनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लस्टर, लस्टर क्या होता है, मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स क्या होती है, चमकदार होती है। लस्टर क्या होती है, एबिलिटी टू शाइन। लस्टर क्या होता है, एबिलिटी टू शाइन। मेटल्स आर लस्टरस, मोस्ट ऑफ मेटल्स क्या होती हैं, लस्टरस होती है, चमकदार होती हैं। दे हैव शाइनिंग सरफेस, मीन वो शाइन करती है, उनका सरफेस क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। इफ यू लुक एट द सरफेस ऑफ मेटल्स लाइक गुड लो गोल्ड कॉपर आयरन एंड एल्यूमिनियम, अगर आप कुछ मेटल जैसे कि गोल्ड कॉपर आयरन एल्यूमिनियम सिल्वर, इनकी मेटल्स के सरफेस को चेक करोगे, यू कैन इजली सी द मेटेलिक साइन। आप इजली चेक कर सकते हो कि वो सब्सटेंसेस क्या करती है, शाइन करती हैं। सम मेटल्स अपीयर डल, बट कुछ मेटल्स क्या क्या होती हैं, वो डल होती हैं, ठीक है। कुछ मेटल्स क्या होती हैं, वो डल होती हैं, जैसे कि बट रबिंग डल क्यों होती है, क्योंकि वो उनके ऊपर डस्ट वगैरह आ जाता है, उनके ऊपर क्या आ जाता है, डस्ट आ जाता है। बट ऑन रबिंग और स्क्रैचिंग देयर सरफेस, जब अब उन मेटल्स को रब करते हो, स्क्रैच करते हो, तो दे शाइन अगेन, वो फिर क्या करना स्टार्ट करती है, फिर से शाइन करना स्टार्ट कर देती है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, नॉन लस्टरस होती हैं, वो चमकदार, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो चमकदार नहीं होती, वो शाइन नहीं करती। हाउ एवर ग्रेफाइट ग्रेफाइट आयोडीन डायमंड आर एक्सेप्शन, दे आर लस्टरस। वो एक्सेप्शन कैसे है, वो क्या करती है, शाइन करती है, मीन जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है। ग्रेफाइट आयोडीन डायमंड वो क्या करती है, शाइन करती हैं, वो जो लाइट उनके ऊपर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब वो शाइनिंग करते हैं। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी क्या होता है, अब मटेरियल इज कॉल्ड मेलेबल इफ इट फ्लैटन्स इंटू अ थिन शीट ऑन बेटिंग। अगर किसी भी मटेरियल को हम मेलेबल तब बोलेंगे अगर उसको उस मेटल को हम बीट करके, हैमर के साथ बीट करके उन मेटल्स की क्या बना सकें, हम थिन शीट्स बना सकें, ठीक है। अगर कोई भी मेटल्स हैं, जो मोस्टली मेटल्स होती हैं, मेटल्स को हम बीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। दे कैन बी ड्राउन इंटू थिन शीट्स बाय बीटिंग, जो मेटल्स होती हैं मोस्टली अगर उनको बीट 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 करते हैं हम विद द हैमर, ठीक है, उनकी शेप चेंज कर सकते हैं हम, और उनको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटू थिन शीट्स। एल्यूमिनियम फॉयल डेट इज यूज फॉर पैकिंग फूड स्टफ, आपके घरों में एल्यूमिनियम फॉयल होती है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है वो किससे बनी होती है, एल्यूमिनियम फॉयल क्या होती है, जिससे आप अपना लंच लंच पैक करते हो, चपाती वगैरह पैक करते हो, उसे क्या बोलते हो, एल्यूमिनियम फॉयल। वो किस मेटल की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। इस गुड एग्जांपल ऑफ मेलेबल प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना, वो सबसे बेटर एग्जांपल है मेलेबिलिटी की, ठीक है।
मेटल्स के मेलेबिलिटी की वो सबसे ज़्यादा सबसे गुड एग्जांपल है, क्योंकि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को हम बीट करके सबसे थिन शीट्स बना सकते हैं। एल्युमिनियम को हम बीट करके उसकी बहुत थिन शीट्स बना सकते हैं। सिमिलरली गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर हैमर टू मेक ऑर्नामेंट्स। सिमिलरली जैसे कि गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, हम उनको हैमर करके उनको मतलब फोर्स अप्लाई करके उनकी शेप चेंज करते हैं फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर है, ये मेटल्स कॉस्टली होती है। क्यों कॉस्टली होते हैं? ड्यू टू इट्स शाइन। ये क्यों कॉस्टली होती है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, ठीक है, और इनको हम एज ए ज्वेलरी ऑर्नामेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इन मेटल्स को हम हैमरिंग करके, गोल्ड एंड सिल्वर को हैमरिंग करके हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इन टू ऑर्नामेंट्स। इस प्रॉपर्टी जैसे कि द मेटल्स को हम बीट करके, द प्रॉपर्टी द एबिलिटी ऑफ, अगर मेटल्स को हम बीट करके उसमें कन्वर्ट करते हैं, शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। और अगर हम मेलेबिलिटी को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? द एबिलिटी एबिलिटी ऑफ मेटल टू चेंज इन थिन शीट्स, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू चेंज इन थिन शीट्स बाय बीटिंग देम इज नोन एज मेलेबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू चेंज इस शेप बाय टू चेंज चेंज इट इन टू थिन शीट्स बाय बीटिंग इट इज नोन एज मेलेबिलिटी।